नमस्कार, आप देख रहे हैं झारखंड टीवी। बोकारो पूर्व ऊर्जा मंत्री लालचंद महतो बेरमो विधानसभा उपचुनाव की तैयारी को लेकर कुरुम्बा पंचायत के मदनपुर गांव में जदयू कार्यकर्ताओं की बैठक में पहुंचे। बैठक मनीगोप की अध्यक्षता में की गई, जिसमें मदनपुर कुरुम्बा विशेष करके हडधोवा दुग्धा कर्माटांड के कार्यकर्ताओं ने लिया भाग किया स्वागत। बैठक में पूर्व ऊर्जा मंत्री लालचंद महतो ने कहा, किस तरह से हम लोगों को रणनीति बनाना है। उपस्थित हुए थे मुख्य लोग, उपस्थित हुए थे। उसके बाद जो है बोकारो थर्मल में 7 पंचायत है, 7 पंचायत का वहाँ मीटिंग हुई थी। इसी तरह के मीटिंग हुई थी 7 पंचायत में। 7 पंचायत के जो लगभग 4 पंचायत के मुखिया उसमें उपस्थित हुए थे, पूर्व मुखिया उपस्थित हुए थे। और इस प्रकार लड़ना चाहिए। और हमारी भी मान्यता है कि बेरमो में 70-75 साल हो गए आज़ादी के पश्चात, 50 साल यहाँ कांग्रेस के विधायक जीतते रहे हैं, लेकिन 50 साल के दरमियान दुग्धा से लेके बोकारो थर्मल तक एक भी उद्योग नहीं खड़ा हुआ, ताकि यहाँ के जो बेरोजगार हैं, स्थानीय जो बेरोजगार हैं, वहाँ के जो युवा हैं, उनको नौकरी मिल सके, रोजगार मिल सके। पूरे क्षेत्र में जो विस्थापित हैं वो परेशान हैं, विस्थापितों का जो मुआवजा बनता है मार्केट रेट से वो नहीं मिल रहा है, और उनके लिए कोई आवाज़ नहीं है। जो आवाज़ यहाँ के विधायकों को उठाना चाहिए था विस्थापितों के पक्ष में, आज तक कभी भी मुझे सुनने का मौका नहीं मिला कि यहाँ का विधायक, यहाँ का एमपी जो यहाँ रविंद्र कुमार पांडे जी हैं, एक भी शब्द पार्लियामेंट में, लोकसभा में यहाँ के विस्थापितों के प्रति, विस्थापितों के साथ जो अन्याय हो रहा है, मुआवजा राशि नहीं दी जा रही है, विस्थापन की व्यवस्था नहीं की जा रही है, नौकरी नहीं दी जा रही है, उसके खिलाफ लोकसभा में पक्ष में बात उठाने का कभी काम नहीं किया। इन लोगों को ग्रामीण क्षेत्र में वोट मांगने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। ये वोट के समय में गांव में थैली लेके चले जाते हैं, पैसे लेके चले जाते हैं, और शराब के नशे पे लोगों से वोट लेने का जो प्रयास करते हैं, उस अध्याय को इस बार लोग समाप्त करेंगे। इस बार यहाँ के लोग जग चुके हैं, यहाँ के लोगों की एकमात्र इच्छा है यहाँ का धरती पुत्र जीते, जो इन सारे समस्याओं को लेकर के यहाँ के बेरोजगारों के लिए, यहाँ के विस्थापितों के लिए, यहाँ के विकास के लिए, यहाँ इंडस्ट्री खड़ा हो उसके लिए संघर्ष कर सके, और यहाँ के बेरोजगारों को रोजगार दे सके, उसको जिता के इस पर भेजने का काम करेंगे, और पुराना अध्याय जो है खरीद बिक्री का बंद करेंगे।